और जो मैंने ली हूँ थोड़ा सा ट्री ट्री ऑयल है और ग्लिसरीन है, एल्कोहल है, और मैंने जूस तैयार की हूँ एलोवेरा के, वो है, और इसमें बना के मैंने रखी हूँ सैनिटाइजर। आइए देखिए, ये देखिए, दो बूंद से हमारे हाथों में जितने जर्म हैं सभी को साफ करता है ये सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर जो कि बिल्कुल नेचुरल है। तो ये देखिए, ये लगा रहे हैं आप, ये देखिए कितना बिल्कुल साफ हैंड हो चुका है। तो आप भी घर में बनाएं इस तरह का सैनिटाइजर, आइए बताती हूँ। नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ ज्योति सिन्हा, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सैनिटाइजर बना रही हूँ, आइए देखिए। ये देखिए एलोवेरा है, ये एलोवेरा का पौधे हैं, ये हर एक घर में होते हैं, और नहीं है तो फिर आप लोग भी लगा लें, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे स्किन के लिए और बालों के लिए और बहुत सारे बीमारियों में बहुत लाभ देता है। और मार्केट में एलोवेरा जेल मिलते हैं मगर वो हरे होते, वो नेचुरल नहीं होते, कुछ ना कुछ तो उसमें मिलाए हुए होते हैं, इसलिए वो ग्रीन कलर या किस और भी कलर के होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे, जैसे ये मोटी वाली मैं ले रही हूँ, ये देखिए यहाँ से कटिंग की है, और इसमें से ये जो पीले वाली है ना, ये इसे हटा देंगे, ये थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए, तो ये पीले पीले सारे गिर जाएंगे, जो ये अच्छे नहीं होते हैं, चाहे सेहत के लिए चाहे शरीर के लिए, ये देखिए गिर रहे ना, तो ये अच्छे नहीं होते हैं। तो मैं अभी कटिंग कर रही हूँ, इन सभी को मैंने काट ली हूँ। अब ये देखिए पीले पीले आपको दिख रहे होंगे, ये काफी आप रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, तो इसमें से सभी ये गिर जाएंगे। ये जो आपको जेल जैसे दिख रहे हैं ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ये देखिए इन्हें सभी को गिरने दें। अब इसे अच्छी तरह से धो लें, जैसे इसके ऊपर डस्ट वगैरह गंदगी वगैरह तो अच्छी तरह से साफ करें, क्योंकि सैनिटाइजर को बिल्कुल हाइजीनिक होते हैं, तो साफ की बेशक उसका ध्यान रखें, इस तरह से धो लेते हैं। इस तरह से हाथों से आप इसे रब करके इसके ऊपर जितनी गंदगी है वो सभी छूट जाएंगे। ये देखिए पानी कितने गंदे हो चुके हैं, और ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से साफ किए, बिल्कुल देखिए अब व्हाइट व्हाइट हो गए, पीले पीले से नहीं है। मैं इसे कटिंग करती हूँ, ये देखिए इस तरह से लें और इसे पहले कट कर लें पीसेज में, जिससे हमें छिलने में आसान हो। सबसे पहले इसे साइड से हटा देंगे, फिर इस तरह से, आराम से इस तरह से काट लें, ये देखिए बैक साइड से भी काट लेते हैं इसे, इस तरह से आप सभी को निकाल लें, ये मैंने निकाली, और बाकी जो अगर इसके ऊपर रह जाता है तो इसे आप चम्मच से स्पून की सहायता से इसे भी निकाल लें, इस तरह से सभी अलग हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से सभी अलग हो चुके हैं, सभी को हम कर लेते हैं। इस तरह से भी आप काट सकते हैं इसे, इसे बीच से काटिए पीसेज में, और आराम से यहां से देखिए इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए आराम से पीसेज में कट जाते हैं। सभी को काट लिए, अब इसे एक बाउल में रख देंगे, ये कितना जेली बिल्कुल शुद्ध और प्योर है। ये देखिए ये
आराम से धीरे धीरे आपको कुछ नहीं करना है, और आराम से सारे के सारे बॉल में चले जाएंगे। नहीं करना हो जिसे मैं पीस लेती हूँ। अब इसे हम पीस लेते हैं मिक्सी में। ये पीस चुके हैं, मैं इसे छान लेती हूँ। सभी को छान लिए, बिल्कुल ये देखिए नेचुरल जूस निकल गई है। मैं इसके सैनिटाइजर बना रही हूँ। इसके लिए हम लेंगे ग्लिसरीन लेंगे, ये देखिए, और इसके लिए लेंगे अल्कोहल लेंगे जिसे स्प्रिट भी कहते हैं, और ये लेंगे, ये 70% होना चाहिए इसमें अल्कोहल की मात्रा, 99% नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोई भी एसेंस आप तेल ले सकते हैं, जैसे कि आप जैतून का तेल ले सकते हैं, लौंग का तेल ले सकते हैं, बादाम का तेल या कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं खुशबू के लिए। तो मैं सबसे पहले ये अल्कोहल को खोलते हैं और 2 चम्मच डालेंगे। और जब भी बना रहे हैं तो आप बिल्कुल हाथ आपका क्लीन होना चाहिए और शीशे के ही बर्तन में बनाएं। ये देखिए 2 चम्मच, और 1 चम्मच लेंगे ग्लिसरीन जिससे हाथों को मॉइस्चराइज करेगा, और इसमें 2 चम्मच हम एलोवेरा रस डालेंगे जो जूस तैयार किए हैं बिल्कुल नेचुरल, जो जेल से दिख रहे हैं ये देखिए, और ये इसमें मिलाते हैं। और इसमें खुशबू के लिए आपको जो भी खुशबू पसंद है उसमें 2 से 3 बूंद डालेंगे, काफी है। आप इसके जगह पे आप कोई भी जैसे सेल ऑयल डालिए या फिर जैतून का तेल डालिए, आप टी ट्री भी डाल सकते हैं ऑयल, और इन सभी को डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। डिस्टिल वाटर भी डाल सकते हैं, अगर डिस्टिल वाटर नहीं है तो उसके जगह पे आप पानी को फिल्टर किया हुआ पानी को आप 10 मिनट तक बॉईल करें और उसे आप डालें। ये मैंने बॉईल कर रखी हूँ पानी को अच्छी तरह से, जिसे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच इसे भी डाल दें। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा सैनिटाइजर तैयार हो चुका है, दिखाते हैं। देखिए 2 बूंद डाले हैं। आगे बैक साइड पे फिंगर पे सभी को नेल्स के बीचों में आप अच्छी तरह से ऐसे लगाइए, और बच्चों को भी लगाएं, और हाइजीनिक है बिल्कुल, आप शुद्ध बनाएं, घर में बनाएं हैं। और इस तरह से आप सैनिटाइजर तैयार करें और यूज करें। आजकल सैनिटाइजर आपको हर चीज में यूज करना पड़ रहा है। ये देखिए अब इसे मैं रखती हूँ डिब्बे में। इस तरह से आप कोई भी इस तरह का डब्बा लें, आपको जो भी अगर पहले का सैनिटाइजर खत्म हो चुका है वो डब्बा भी आप ले सकते हैं, और उसमें इस तरह से भर के भर रहे हैं। इस तरह से बंद करते हैं। छोटे डब्बे में रखने का फायदे ये होते हैं कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप ले जा सकते हैं टूर एंड ट्रेवल में। और इस तरह से आप थोड़ा सा अपने हाथों पे गिराएं, ये देखिए, और इसको अच्छी तरह से इस तरह से लगाएं, यूज करें। अब और ये जो हमारा है बच चुका है, बाकी के ये जो हमने एलोवेरा का जेल और जूस तैयार की ये जो बच गए, इसे आप 6 से 8 महीने तक रख सकते हैं, जिसे आप फेस पे भी लगा सकते हैं, बालों में आप इसे लगा सकते हैं जैसे, और काफी सारे बीमारियों में भी यूज आते हैं। तो ये तो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, जिसे आपको मैं बता रही हूँ तो रखने की तरीका बता रही हूँ। तो क्या करेंगे, इसे आप किसी भी बंद जार ले लें, एक कोई भी सीसी, और इसमें विटामिन सी की टेबलेट 1
धनिया हूँ जिसे इसके अंदर मिला देंगे, इसमें काफी समय तक ये रहेगा, और इसे मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरह से। इसे बंद जार में रख देते हैं, आप इसे फ्रिज में रख के आप यूज कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।